नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 11 सितंबर 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले जानते हैं आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 6:05 पर, सूर्यास्त होगा 6:30 पर, चंद्र राशि है तुला शाम 4:15 तक, उसके बाद वृश्चिक, तिथि है पंचमी, योग इंद्र नक्षत्र स्वाति वार शनिवार। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:44 PM तक, राहु काल 9:10 से लेकर 10:45 PM तक, और सर्वार्थ सिद्धि योग है 6:03 सुबह से लेकर 11:22 सुबह तक। ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। ये समय आपके शहर आपके देश के अनुसार कुछ समय ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ 1-2 मिनट। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, सफलता एक ही शर्त पर मिलती है, सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप मेहनत करते हैं आपको लाभ होता है, वैसे ही ग्रहों को अगर आप अच्छा कर ले तो आपको डबल लाभ होता है। आपकी मेहनत से आपको लाभ जरूर होता है, लेकिन जब ग्रह साथ दे रहे हों तो उसी मेहनत में डबल लाभ होता है। यानी कि आप 8 घंटे काम करके अपनी मेहनत से मान लीजिए 1,000 रुपये कमाते हैं, अगर ग्रह साथ दे दे तो उसी समय पे 1,00,000 रुपये कमा लेंगे। ठीक है जी, तो ग्रहों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए, अपने ऊपर से बुरी नज़र हटाने के लिए, अपने दिमाग को तेज करने के लिए हमें ये लाजवर्द रत्न का लॉकेट पहनना चाहिए। अब मैं बार बार इतने सालों से ही आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ। क्यों बोलता आ रहा हूँ? क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों ने पहना, एक नहीं दो दो पहने, लोगों के काम बनते चले गए। तो जो लोग बच गए हैं वो लोग भी इसका आनंद ले लें, क्योंकि चीज़ अच्छी है और अच्छे रिजल्ट हैं। नज़र के लिए, शनि की पीड़ा के लिए, बाकी किसी भी प्रकार की परेशानी में ये काम करता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। L7 लिखकर व्हाट्सएप करिए और 1,175 रुपये में ये आपको मिल जाएगा, और ये मात्र 2 दिनों के लिए है, इसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। बात करते हैं मेष राशि की। आज आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे, सट्टेबाजी शेयर मार्केट में लाभ कमा पाएंगे, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे जिससे दिल खुश हो जाएगा। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता आप कर सकते हैं, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सड़क पर चलते समय सावधानी रखें, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना लीजिएगा, आज आपको बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि, आज परिवार के साथ पिकनिक मनाने या कहीं मॉल वगैरह घूमने या मार्केटिंग करने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को मित्रों के का साथ मिलेगा, ऐसे मित्रों का साथ मिलेगा अविवाहित लोगों को जो शायद उन्हें पसंद आ जाए, तो शादी की बात आगे बढ़ सकती है। यानी कि आज अपने ही ग्रुप सर्किल में आपका उठना बैठना बातचीत करना हो सकता है, या आपके घर रिश्ता भी कोई लेकर आ सकता है। यह समय प्रेमी प्रेमिका के लिए, नए प्रेम संबंध बनाने के लिए, और प्रेम संबंध में जो लोग पहले से हैं उनमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ है। यानी कि आज प्रेम के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके मित्र आज आपको कोई उपहार दे सकते हैं, आपका जीवन साथी आज आपको कोई उपहार दे सकता है या दे सकती है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है, किसी गुप्त रोग की वजह से परेशानी हो सकती है, तो रोग का इलाज जरूर करा लीजिएगा। कुल मिलाकर आज का दिन आनंद प्राप्ति का दिन है, सुख का दिन है, सुख सुविधाएँ जुटाने का दिन है, श्रेष्ठ और शानदार दिन है। मिथुन राशि, संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, शेयर मार्केट में लाभ होगा, बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है, बच्चे पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेंगे, खेलकूद में भी मज़ा लेंगे, पढ़ाई लिखाई भी पूरी करेंगे। आज आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, नौकरी व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेमी प्रेमिका से मिलने जा सकते हैं, व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा, जीवन साथी से संबंध शानदार रहेंगे, परिवार में खुशियाँ आती रहेंगी। मज़ेदार दिन है मिथुन राशि वालों के लिए। जब भी समस्या हो तो उसका हल निकालना चाहिए। जो समस्या हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, उस समस्या को सही करने के लिए हमें ये लाजवर्द रत्न का लॉकेट पहनना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है आपकी कमाई रुक गई है, अब आपके घर पैसा आना बंद हो गया है, मेहनत जारी है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है? इसका मतलब है आपके ऊपर किसी की नज़र लग गई है या कुछ और बड़ी बात है। बड़ी बात हो या छोटी बात हो, इस लॉकेट को पहन लीजिए, आपके काम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। L7 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें।
कर्क राशि, आज का दिन खुशियों भरा है, प्रसन्नता भरा है। आपके बच्चे आपको शुभ समाचार सुनाएंगे, नए प्रेम संबंध सफलतापूर्वक बनेंगे, कोई पुराना प्रेम संबंध एकदम से जागृत हो सकता है। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से, निष्ठापूर्वक करेंगे। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो लाभ होगा। आज आपका दिन सौभाग्यदायक है। विद्यार्थी लोग एकाग्रता से आगे बढ़ेंगे, अध्ययन में लगे रहेंगे। आज व्यापारी लोगों को नया उद्योग लगाने के लिए पैसा मिल सकता है, लोन पास हो सकता है, लोन की बात आगे बढ़ सकती है। नौकरी में उन्नति ही उन्नति होगी कर्क राशि वालों की। बात करेंगे सिंह राशि की। आज आपका दिन आपके परिवार के लिए बढ़िया रहेगा, प्रसन्नता और खुशियाँ और उल्लास और आपसी तालमेल बना रहेगा। सब कुछ बढ़िया वक्त है, अच्छा श्रेष्ठ वक्त है। आपको गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज आपको लाभ होगा। मकान के सौदे फायदे में होंगे। आपको आपके जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। बड़े बूढ़े भी आज इंजॉय करेंगे। विद्यार्थी लोग थोड़ा सा आज नटखट हो सकते हैं। कन्या राशि, आज कड़ी मेहनत करने का दिन है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना होगा। आपकी हिम्मत के आगे सभी काम छोटे पड़ जाएंगे और आप काम कर लेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। आज आपको लोगों की सहायता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा। आज आपके बच्चे आपको शुभ समाचार सुनाएंगे, प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे। दो दिल आज एक दूसरे के लिए धड़केंगे, प्रेमी प्रेमिका का दिल आज एक होगा। और यह समय व्यापार के लिए बहुत बढ़िया, धन निवेश करने के लिए आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा, शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। आपको क्या चाहिए? सफलता चाहिए तो ये लॉकेट मंगाइए और पहन लीजिए। इसका नाम है सफलता। और सफलता प्राप्त करने के लिए L7 लिखिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। सफलता की गारंटी है, जैसे ही आप ये लॉकेट या अंगूठी पहनेंगे सफलता आपके करीब आ जाएगी। तुला राशि की बात करते हैं। आज कड़ी मेहनत करने का दिन है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करना पड़ेगा। आपके भाई बहन सगे संबंधियों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए दिन शुभ नहीं है। कोई जोखिम उठाने का आज प्रयास ना करें, वरना विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई रिस्क नहीं लेना है। पुराने मित्रों से संपर्क होगा। विद्यार्थियों को आज अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बोलचाल में अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि, आज अच्छा दिन है। विद्यार्थी लोग एकाग्रचित होकर अपना अध्ययन करेंगे। व्यापारी लोग आत्मविश्वास उनका बढ़ा हुआ होगा, जिससे वो सभी कामों को जल्दी जल्दी कर लेंगे। आज आप खूब धन कमाएंगे, खूब इज्जत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। नौकरी करते हैं तो आपके बॉस आपसे संतुष्ट रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको रिश्तेदारों या पड़ोसियों की मदद से कोई रिश्ता आ सकता है। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। आज आपको अपने साथी का सहयोग मिलेगा, परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। हर जगह से खुशियां ही खुशियां आज आपको प्राप्त होंगी। और आपकी खुशियों पर नज़र न लगे, आपकी किसी भी प्रकार की खुशियों पर नज़र न लगे, उसके लिए ये L7 यानी लाजवर्थ का लॉकेट पहन लीजिए। ये अगर आपके गले में है या अंगूठी के रूप में है तो खुशियों पर नज़र नहीं लगेगी, शत्रु का कोई प्रभाव नहीं होगा। L7 लिखकर व्हाट्सएप करिए। 1275 रुपये में ये पंच धातु में बड़ा हुआ लॉकेट या अंगूठी के रूप में आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। खुशियां हैं तो उनको बना कर रखिए, क्योंकि आपकी खुशियों से शत्रु जलता है, और जब शत्रु जलता है तो वो आपको परेशान करता है। जब वो परेशान करता है तो आप परेशान हो जाते हैं। शत्रु चाहे कितना भी परेशान करना चाहे, जब ये आपके पास होगा तो शत्रु की हर चाल फेल हो जाएगी। धनुराशि, आज आपका उत्साह वर्धन किए जाने का दिन है। लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी देखने को मिलेगी, आपका खर्चा बढ़ सकता है। खान पान के मामले में सावधान रहें, आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। विद्यार्थी लोग पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाएंगे, अपना समय नष्ट करेंगे। व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर सोच समझ कर जाएं, क्योंकि आज परिणाम आशाजनक नहीं होगा। मकर राशि, आज आप अधिक धन कमाएंगे। आपके लिए जो सपने आपने देखे हैं अपने लिए, अपनों के लिए, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आज आप जीवन साथी के साथ थोड़े रोमांटिक मूड में होंगे। आपको बड़े भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, घर में खुशियाँ होंगी, बड़े बुजुर्गों की सेहत में राहत मिलेगी। देखिए, मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, आपको चल रही है शनि की 7.5, और शनि की 7.5 में बहुत मुश्किल होती है। कई बार मुश्किलों को हल करना है तो इसको पहनना है। इसका नाम है लाजवर्थ।
ये लाजवर्त का लॉकेट अगर आपके पास है तो शनि की 7.5 या शनि के अशुभ प्रभावों से बच जाएंगे। मकर राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, तुला राशि वाले इसको पहनते हैं अगर तो 2025 तक उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सुरक्षा की गारंटी है, सुरक्षा का इंश्योरेंस है। L7 लिखकर व्हाट्सएप करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। 1275 रुपये में 5 साल तक ऐश करिए। बात करेंगे कुंभ राशि की, आपको आपके अधिकारियों का साथ मिलेगा, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारी लोगों को आज व्यापार में निरंतर योजनाएं बनाते हुए खूब बढ़िया बढ़िया सफलताएं मिलती चली जाएंगी। विद्यार्थी लोग अध्ययन में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी आपका प्रसन्नचित होगा, संतुष्ट होगा आपसे। आज आप जो करेंगे अच्छा होगा। आज आपके बच्चों के व्यवहार से आपको थोड़ी नाराजगी हो सकती है, आपके बच्चे के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो आमदनी के रास्ते हैं वो आज बढ़ जाएंगे, आमदनी खूब होने वाली। कुंभ राशि वालों के पास आज पैसा खूब आएगा, सफलता खूब आएगी। मीन राशि, आज आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिन है, आपकी संतान उन्नतिशील होगी, पूरी एकाग्रता आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने काम में 100% देने की कोशिश करेंगे, सफल भी होंगे। जीवन साथी से आपके रिश्ते मधुर होंगे, प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को मिलने का मौका ढूंढेंगे और मौका ढूंढ ही भी लेंगे। आज प्रेमी प्रेम का मौका ढूंढ कर कहीं मिलने जुलने जा सकते हैं, अच्छी बातचीत हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करिए। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आज मीन राशि वालों को सफलता प्राप्त होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप भी अच्छे होंगे, खुश रहिए, बढ़िया दिन है। तो ये था 12 राशियों का राशिफल, जिसको आपने जल्दी से जाना, एक आइडिया लग गया कि आने वाला दिन कैसा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन इससे भी बेहतर जाए और आप सभी लोग हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा। ये लाजवर्त का लॉकेट नहीं, ये सुरक्षा की गारंटी है, सुरक्षा का इंश्योरेंस है। पहनिए और लाभ उठाइए। L7 लिखिए और ऑर्डर कर दीजिए। नमस्कार।